चौथा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहां मिले हैं? तो पहला ऑप्शन है सुरकोटदा में मिले हैं, बी ऑप्शन बनावली में मिले हैं, सी ऑप्शन मांडा में मिले हैं, डी ऑप्शन कालीबंगा में मिले हैं। तो सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के जो अवशेष मिले हैं वो सुरकोटदा में मिले हैं। कहां मिले हैं? सुरकोटदा में मिले हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सुरकोटदा कहां स्थित है, तो कच्छ के रण में स्थित है, कच्छ के रण में स्थित है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है किस नदी के किनारे स्थित है, तो आप लोग बताएंगे कि सरस्वती नदी के किनारे स्थित है, सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। अगर आपसे पूछता है सुरकोटदा की खोज किसने की थी, खोज किसने की थी, तो सुरकोटदा की खोज जगपत जोशी ने, जोशी ने 1967 में की थी। अगर आपसे पूछ लेता है सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहां मिले, तो सुरकोटदा में मिले, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट, पांचवा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? पहला ऑप्शन है राजस्थान में स्थित है, बी ऑप्शन गुजरात में स्थित है, सी ऑप्शन मध्य प्रदेश में स्थित है, डी ऑप्शन उत्तर प्रदेश में स्थित है। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन राजस्थान में स्थित है, कालीबंगन राजस्थान में स्थित है। कालीबंगन अगर आपसे पेपर में पूछ लेता है किस नदी के किनारे स्थित है, तो आप बताएंगे घग्घर नदी के किनारे स्थित है, घग्घर नदी के किनारे स्थित है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है इसकी खोज किसने की थी, खोज, तो अमलानंद घोष ने 1953 में की थी। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है, तो राजस्थान में स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है, घग्घर नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज किसने की थी, अमलानंद घोष ने 1953 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता है? छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरों के रूप में मुख्य रूप से किया गया था? पहला ऑप्शन है सेलखड़ी का, दूसरा ऑप्शन है कांसा का, सी ऑप्शन है तांबा का, डी ऑप्शन है लोहा का। तो किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरों के निर्माण में किया गया था, तो सेलखड़ी का प्रयोग मुहरों के रूप में किया जाता था, मुहरों के रूप में, मुहरों के निर्माण में, निर्माण में सेलखड़ी, सेलखड़ी का उपयोग किया जाता था, उपयोग किया जाता था। तो ऑप्शन ए सेलखड़ी सही है। नेक्स्ट चलते हैं, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? पहला ऑप्शन है कांस्य युग की थी, दूसरा ऑप्शन नवपाषाण युग की थी, सी ऑप्शन पुरापाषाण युग की थी, डी ऑप्शन लौह युग की थी। तो आप लोग बताइएगा हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी, कांस्य युगीन सभ्यता थी, युगीन सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सरस्वती, सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, सभ्यता के नाम से जाना जाता है, भी जाना जाता है, जाना
जाता है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी, तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पहला ऑप्शन है व्यापार था, बी ऑप्शन पशुपालन था, सी ऑप्शन शिकार था, डी ऑप्शन कृषि था। डी ऑप्शन कृषि था, बताइएगा आप लोग। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वह व्यापार था। क्या था? व्यापार था, तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, पहला ऑप्शन है ग्रामीण थे, बी ऑप्शन शहरी थे, सी ऑप्शन खानाबदोश थे, डी ऑप्शन जनजातीय थे। तो आप लोग बताइएगा कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो शहरी निवासी थे। कौन से निवासी थे? शहरी निवासी थे, शहरी निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता को नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता को नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है, नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। तो ऑप्शन कौन सा सही है? तो बी वाला ऑप्शन सही है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? पहला ऑप्शन है ईंट से बनाए जाते थे, बी बांस से बनाए जाते थे, सी पत्थर से बनाए जाते थे, डी लकड़ी से बनाए जाते थे। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? पहला ऑप्शन ईंट से बनाए जाते थे, दूसरा बांस से बनाए जाते थे, सी पत्थर से बनाए जाते थे, डी लकड़ी से बनाए जाते थे। तो सिंधु सभ्यता के जो घर थे वो ईंट से बनाए जाते थे, सिंधु सभ्यता के जो घर थे वो ईंट से बनाए जाते थे। ईंट का जो अनुपात था लंबाई चौड़ाई गुणे ऊंचाई, अनुपात में जो था लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो अनुपात था ईंट का वो था 4:2:1। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे, तो हड़प्पा सभ्यता के घर ईंट से बनाए जाते थे। ईंट का जो अनुपात था, ईंट का अनुपात 4:2:1 था, ईंट का अनुपात, ईंट की जो लंबाई थी वो 4 थी, चौड़ाई जो थी वो 2 थी, ऊंचाई जो थी वो 1 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? पहला मुद्राएं में, दूसरा कांसे के औजार में, सी कपास में, डी जौ में। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो हड़प्पावासी कपास में सर्वप्रथम थे, हड़प्पावासी कपास में सर्वप्रथम थे। कपास को यूनानियों के द्वारा सिंडॉन कहा गया। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो कपास में सर्वप्रथम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? पहला ऑप्शन है सर जॉन मार्शल, दूसरा ऑप्शन है आर डी बनर्जी, सी ऑप्शन है ए कनिगम, डी ऑप्शन है दयाराम साहनी। तो निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता जो थे वो दयाराम साहनी थे। इन्होंने जॉन मार्शल के नेतृत्व में हड़प्पा सभ्यता की खोज हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में की
अगर आपसे पूछता है हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे है, तो आप लोग बताइएगा रावी नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे स्थित है। अगर आपसे पूछ लेता है कहां स्थित है, कहां स्थित है, तो पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिले में स्थित है। अगर निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था, तो दयाराम साहनी थे जिन्होंने खोज की थी 1921 में की। किस नदी के किनारे स्थित है हड़प्पा सभ्यता, तो रावी नदी के किनारे स्थित है। कहां स्थित है, तो पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिले में स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर या बंदरगाह कौन सा था, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था। पहला ऑप्शन कालीबंगन था, बी ऑप्शन लोथल था, सी ऑप्शन रोपड़ था, डी ऑप्शन मोहनजोदड़ो था। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर एकमात्र स्थल लोथल था। कौन सा था, लोथल था, जो किस नदी के किनारे, अगर पूछ लेता है लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, तो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। कहां स्थित है, गुजरात में स्थित है। रोपड़ कहां स्थित है, तो पंजाब में स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है, सतलज नदी के किनारे स्थित है। अगर मोहनजोदड़ो पूछ ले कहां स्थित है, तो पाकिस्तान में स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो की अगर पूछ लेता है खोज किसने की, खोज तो 1922 ईस्वी में रखालदास बनर्जी ने की। 1922 में रखालदास बनर्जी ने की। कालीबंगन किस नदी के किनारे स्थित है, तो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कहां स्थित है, तो राजस्थान में स्थित है। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह लोथल था। कौन सा था, लोथल था। नेक्स्ट, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे, यह खोज कहां पर हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे, यह खोज कहां पर हुई। पहला ऑप्शन कालीबंगन, दूसरा ऑप्शन हड़प्पा, सी ऑप्शन चनहुदड़ो, डी ऑप्शन लोथल। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे, यह खोज कहां पर हुई, तो यह खोज लोथल में हुई। कहां हुई, डी ऑप्शन लोथल में हुई। कहां हुई, तो लोथल में हुई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। पहला ऑप्शन शिकारी पुजारी किसान और छत्री, बी ऑप्शन विद्वान योद्धा व्यापारी और श्रमिक, सी ऑप्शन ब्राह्मण छत्री वैश्य और शूद्र, डी ऑप्शन राजा पुरोहित सैनिक और शूद्र। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था, तो हड़प्पा कालीन समाज जो था वो विद्वान योद्धा व्यापारी और श्रमिक वर्ग में विभाजित था।
विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक वर्ग में विभाजित था। तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट पर चलते हैं। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? पहला ऑप्शन है हड़प्पा सभ्यता, दूसरा ऑप्शन है सिंधु सभ्यता, सी ऑप्शन है सिंधु घाटी सभ्यता, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है सर। सेलेक्ट सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या करते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या करते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल महल और मंदिर होते थे, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन वे देवियों और देवताओं दोनों की ही पूजा करते थे। ये ऑप्शन बी जो है वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग। सी ऑप्शन कह रहा है वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींची जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग घोड़ों के द्वारा खींची जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे? डी ऑप सी तीन ही ऑप्शन है। इसमें से कौन सा कूट सही है यह बताना है हमको। तो इसमें से कौन सा कूट सही है आप लोग बताइए कौन सा सही है। इसमें से जो कूट सही है वे देवियों और देवताओं दोनों की ही पूजा करते थे। बी वाला कूट सही है। तो इसमें से कौन सा सही है? केवल दो सही है। केवल दो क्यों सही है? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में मंदिर का कोई साक्षी नहीं मिला है, मंदिर का साक्ष नहीं मिला है, नहीं मिला है, और ना ही युद्ध में घोड़ों के द्वारा खींची जाने वाले रथों का प्रयोग करता हुआ कोई प्रमाण मिला है, कोई साक्ष या प्रमाण इसका भी नहीं मिला है। प्रमाण इसका भी साक्ष, इसका भी साक्ष नहीं मिला है, नहीं मिला है, इसका भी साक्ष नहीं मिला है। केवल साक्ष मिला है वे देवियों और देवताओं दोनों की ही पूजा करते थे। तो बी वाला ऑप्शन सही है। और बी में कौन सा? केवल दो सही है। कौन सा? केवल दो सही है। नेक्स्ट चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? मैं पिछली आगे बता ही चुका हूं कब की गई थी हड़प्पा सभ्यता की खोज। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में की गई थी। कब की गई थी? 1921 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? 19वां क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? पहला है उन्हें अश्वमेध यज्ञ की जानकारी थी। दूसरा गाय उनके लिए पवित्र थी। तीसरा ऑप्शन उन्होंने पशुपति की सम्मान करना आरंभ किया। चौथा ऑप्शन है उनकी संस्कृत सामान्यता स्थिर नहीं थी। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? तो उन्होंने अश्वमेध की जानकारी थी, नहीं थी, ये गलत ऑप्शन है। गांव के लिए पवित्र थी, नहीं थी। उनकी संस्कृत समानता स्थिर थी, नहीं स्थिर थी। कौन सा ऑप्शन सही है? तीसरा उन्होंने पशुपत के सम्मान करना आरंभ किया। उन्होंने पशुपत का सम्मान करना प्रारंभ किया, उन्होंने पशुपत का सम्मान करना प्रारंभ किया। तो तीसरा ऑप्शन सही है, डी। नेक्स्ट चलते हैं। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी, कैसी थी? उचित समतावादी थी। दूसरा ऑप्शन दास श्रमिक आधारित थी। तीसरा वर्ण आधारित थी। चौथा जाति आधारित थी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी?
ये बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धत उचित समतावादी थी, उचित समतावादी थी। समतावादी का अर्थ होता है सर्वश्रेष्ठ, संपन्न व्यक्तियों या सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों के साथ, निर्धन श्रमिक, श्रमिकों को उनके साथ संपन्न व्यक्तियों या सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों के साथ निर्धन श्रमिकों को उनके साथ काम करने की अवसर प्रदान करना, उचित समतावादी का अर्थ होता है कि संपन्न व्यक्तियों के साथ या सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों के साथ निर्धन श्रमिकों को लेकर उनके साथ काम करने के अवसर प्रदान करना ही उचित समतावादी कहलाता है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आपको बराबर वीडियो जो है मिल रही है, सारी सब्जेक्ट की वीडियो जो है आपको दी जा रही है, चाहे वो मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, डीएस, हिंदी, सभी की वीडियो जो है आपको जो है मिल रही है सभी की, ठीक है। ये सोच लीजिए मेरा सिर्फ एक लक्ष्य है, इस बार आपको नौकरी दिलाना, और दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है कि इस बार मैं आपको एजीटीए में नौकरी ना दिला पाऊं। पिछली बार मैंने आपको बताया था 72 लोगों ने जो है हमसे पढ़कर, हमारे नोट से पढ़कर जो है एजीटीए में इस समय वर्क कर रहे हैं। इस बार मेरा टारगेट है कम से कम 500 लोगों को नौकरी दिलाना। मेरे मित्रों ध्यान रखिएगा, अगर इस समय कोई यूट्यूब पर चैनल है जो आपके लिए अग्रतर है, वो है स्टडी विद नीरज चैनल, और आपके लिए बहुत कुछ आगे करेगा। आप देख लीजिए हमारे टीचर कितनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं, चाहे साइंस हो, चाहे हिस्ट्री हो और चाहे मैथ हो। मैं आपको बता दूं, ये जो हमारे टीचर हैं सारे ऑफलाइन बैच के हैं, ठीक है, और इनको बहुत अनुभव है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।